नमस्कार। आज हम बनाएंगे मनचाओ सूप। इसके लिए मैंने जो सब्जियां ली हैं उसमें ये हरा प्याज है, ये बीन्स हैं, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज है, अरारोट है, ये हरे प्याज का सफेद पार्ट है, अदरक, लहसुन की 8-10 कलियां हैं, हरी मिर्च है, 2 चम्मच ये टोमेटो सॉस है, विनेगर 1 चम्मच, 2 चम्मच सोया सॉस, काली मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और मनचाओ सूप के लिए मैंने नूडल्स को उबाल करके तैयार कर लिया, क्योंकि मनचाओ सूप है इसलिए हमें चाओ तो चाहिए ही। अब हम इसमें इसको हम फ्राई करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा अरारोट डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा डालना है, इससे ये क्रंची बनेगी, क्रिस्पी हो जाएगी, इसलिए हम इसको हल्का सा डाल के, देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, 1 चम्मच में मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर हो जाए जिससे ये क्रंची बनेगी। हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल हमारा गरम हो गया है और इसमें अपने नूडल्स डाल देंगे। ये तेज आंच में ही हमको इसको सेकनी है। ये देखिए नीचे से सीख गई है, हम इनको पलटेंगे। ये देखिए थोड़ी सी और सीख जाएंगी, हम इनको पका लेंगे, क्रंची हो जाएंगी तब तक। 1 मिनट और अभी हमें इसको सेंकना है। देखिए मेरी नूडल्स सीख गई है, अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम और सेक लेंगे अपने। देखिए हम सूप बनाना शुरू करेंगे। हमारा पैन गरम हो गया है, इसमें हम ये 1 चम्मच घी या तेल कुछ भी डाल लेंगे, लहसुन डालेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनना है, हल्का गुलाबी होने तक, तो कच्चापन चला जाए। अदरक, हरी मिर्च, प्याज डालेंगे, बीन्स डालेंगे, हरा प्याज, गाजर, पत्ता गोभी। इसमें आप कोई भी सब्जियां जितनी भी आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, काली मिर्च, सोया सॉस डाल देंगे, इसको भूनना है हमको।
और देखिए ये हरे प्याज का सफेद पार्ट है वो डाल देंगे, टमाटर केचप, अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। हमारा ये भून गया है और इसमें आधा लीटर पानी डाल देंगे। मैंने आधा लीटर इसमें पानी डाला है, अब इसको बंद कर देंगे और इसको खौल आने तक हम पकाएंगे। जब खोल आ जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमारा जब तक सूप बन रहा है तब तक हम एक चम्मच ये अरारोट लेंगे और इसको पानी डाल के घोल तैयार करेंगे और इसको हम सूप में डालेंगे जिससे वो गाढ़ा हो जाएगा। एक चम्मच हमको ये अरारोट लेना है, इसको हम अच्छी तरह से घोल लेंगे भी, फिर इसको हम अपने सूप में डालेंगे गाढ़ा करने के लिए। हमारे सूप में उबाल आ गया है और इसमें हम ये हमने जो अरारोट घोला था इसको हम डाल देंगे। इसको इसी तरह से चलाएंगे और एक मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। ढककर हम एक मिनट पकाएंगे कि इसका अरारोट का ये कच्चापन चला जाए, इसलिए हमको एक मिनट और पकाना है। अभी इसको बंद कर देंगे और एक मिनट बाद हम इसको, देखिए दो मिनट हो गए इसको बनते हुए। ये देखिए हमारा पक के तैयार हो गया है और अब हम इसमें ये विनेगर डाल देंगे। लास्ट में हमको विनेगर डालना है और हम इसको नीचे उतार लेंगे और सर्व करेंगे। ये मनचाओ सूप बनकर हमारा तैयार है और हम इसको सर्व करेंगे। इसी तरह से हम इसको सर्व कर लेंगे। ये मैंने सूप को सर्व कर लिया है और हम इसमें ये हरा प्याज डालेंगे थोड़ा सा। और इसमें ये नूडल्स डालेंगे थोड़ी सी। ये देखिए हमारा मनचाओ सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बना है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।